में जो हुकूमत बात हम पाकिस्तान करना को चाह क्यों रहे बढ़ाती हैं है? ये आवाम तक पहुंचनी चाहिए कि किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करने की, और हम किसी सूरत भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको अपने इस राइट से महरूम कर दिया जाए कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियां जो हैं, मैं क्यों, बिल्कुल राइट उनका डियाला जेल के अंदर से होना चाहिए, कोई राइट नहीं है। दुनिया आप के किसी मुल्क में राइट नहीं होता, आप जैसे दुनिया के किसी आईन में राइट नहीं है। मुल्क की बातें करके हुकूमत, आप जमहूरियत की बातें करें, आप जैसे लोगों की राय की वजह से हुकूमत दो अमली और नाअहली का शिकार है। खुदा के वास्ते ये मशवरे मत दें कि मुल्क की क़यादत जो है उसको जेलों में डाल दें। एनीवे बहुत पहले अंदर होते, छोड़ दे छोड़ दे, यार ये आपके बस की बात ही नहीं ना, आपकी हुकूमत के बस की बात है। बिला वजह आप शोर किए जा रहे हैं, आपकी हिम्मत है तो पकड़े ना उनको। आज इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ द कैपिटल वो कह के गया, साइड मत लें, पकड़े उनको, दुश्मनों को बेनकाब भाई पकड़े ना उनको, पकड़े को नकेल डाले, हिम्मत है तो डाले, दुश्मनों को जेल में डाले, हिम्मत है ही नहीं नकेल डालने की। मैं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कल नहीं उनको हाथ डालने की। बिला वजह बैठ के आप तकलीफ कर रहे हैं, जाएगा डियाला जेल। चलिए छोड़े इसकी इतने बातें करके, कहेगा मेरे बाद में कर रहा था कि जो जो शेख रशीद साहब ने जो वहां के अटैक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है उसके हवाले जेल में जाके ये सारा सब कुछ मेरे ख्याल से उसमें बात करनी है। मोशर पास करें यार, बात करें, मुबशर बात करें, मेरे अबाओ इजाद बात करें। बाबा आपने बहुत कर लिया अपने अबाओ इजाद, ना छोड़ दें आप इसको।